Hello students, welcome back in the study of poetry. तो आज English honors के लिए जो poetry हम पढ़ने जा रहे हैं, जो poem उसका नाम है Porphyria's Lover, जिसको लिखा है Robert Browning ने. ये Robert Browning जो हैं वो Victorian poet हैं 19th century के, और ये इनकी जितनी भी poems हैं वो उम्दा हैं, बहुत ही thought provoking हैं. तो ये जो पोएम है पोर्फीरियाज लवर, ये टाइटल ही शो करता है कि पोर्फीरिया जो है वो बिलविड है और उसका जो लवर है उसका नाम गॉन है, यानी उसके नाम को रहस्य बनाया गया है. यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ही होता है कि कोई वक्ता जो होता है, जो स्पीकर होता है, जो एक्टिव होता है, वो सिर्फ बोलता है, खुद ही बोलता है, बाकी जो भी वहाँ रहते हैं वो साइलेंट रहते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. दे बिकम मियर लिसनर, ठीक है, और एक्सपेक्टेटर. तो ये क्या है कि पोर्फीरिया का जो प्रेमी है उसकी आइडेंटिटी जो है गौन रखी गई है, वो या यूँ कहे कि वो खुद गौन रखता है अपनी आइडेंटिटी को, और अपनी प्रेमिका का नाम वो बखूबी दर्शाता है, इसलिए उन्होंने टाइटल दिया रॉबर्ट ब्राउनिंग ने पोर्फीरिया लवर. अब इसका जो थीम है वो ये है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है. अब ये उसका एग्जामिनेशन करना चाहता है, जांच करना चाहता है कि क्या वो प्रेमिका जो है इसे प्रेम करती है कि नहीं. अगर करती है तो फिर दूसरी जगह शादी क्यों कर रही है. नहीं करती है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर उससे मिलने क्यों आती है शादी तय होने के बाद या शादी होने के बाद. तो ये एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी है ड्रामेटिक मोनोलॉग में, एक तरह की जैसे माय लास्ट डचेस भी है, ये भी एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, और यहाँ भी है कि एक पैशनेट लवर है. पैशनेट लवर कैन नेवर बी अ ट्रू लवर. तो मैं कोशिश करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आपके लिए सुविधा हो. तो ये लाइन है, द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द सलन विंड वॉज सो अवेक, इट टू द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड डिड इट वर्स टू वेक्स द लेक. अब वो कहता है कि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा तूफानी है, रात का समय है. तो है क्या कि उसकी जो प्रेमिका है उस रात के समय में ही उससे मिलने आती है, और जो रात वो जो तूफान जो जताया गया है, दिखाया गया है, वो एक्चुअली तूफान कुछ और नहीं, इसके मन का तूफान है, उथल पुथल मचा हुआ है, ठीक है. आई लिसेंड विद हर हार्ट फिट टू ब्रेक, हर जगह उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन मैं, वहाँ फर्स्ट पर्सन नरेशन कहता है, मैं आई लिसन विद हार्ट फिट टू ब्रेक, यानी ऐसा लग रहा था कि अब दिल जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन चुपचाप सुना. व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फीरिया स्ट्रेट शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म. और उस तूफानी रात में बारिश मूसलाधार हो रही थी, बिजली कड़क रहे थे, उसी में वो अचानक से आई, तब इसका पूरा वीरान पड़ा हुआ था. आई पोर्फीरिया उसकी प्रेमिका, शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म, यानी सब कुछ उसने पीछे छोड़ के आ गई. एंड नील्ड एंड मेड द चीयरलेस ग्रेट ब्लेज अप एंड ऑल द कॉट इज वार्म, यानी इसका दिमाग जो है बिल्कुल वो सनका हुआ था, सोच में था, टूटा हुआ था. जैसे ही पोर्फीरिया इसके यहाँ आई उस बारिश में भीगते हुए, तूफान को छोड़ते हुए, तो अचानक जो है इसके रूम में, इसके कॉटेज में रौनक आ गई, यानी यह खुश हो गया, काफ़ी उत्साहित हो गया. विच डन शी रोज एंड फ्रॉम हर फॉर्म विड्रीव द ड्रिपिंग क्लोक एंड शॉल एंड लेड हर सोयल ग्लव्स बाई अनटाइट. वो आई, भींगे हुए कपड़े को नीचे रख दी, बाल खोल दिए और आके इसके कांधे से टिक गई. हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, बाल को खुले छोड़ दी. And last she sat down by my side and called me. वो खुद बता रहा है कि आई और मेरे पास बैठ गई, बाल को खुले छोड़ के, लंबे बाल थे उसके, और मुझे बुलाई. When no voice replied, अपने आप को पैसिव में रखता है जबकि खुद एक्टिव है, जब उसको कोई आवाज़ नहीं आई, यानी कि उसने खुद जवाब कोई नहीं दिया उसके बुलाने पर. She put my arm about her waist, तो उसने उसके हाथ को उसके कमर में रखा. एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और प्रेमिका जो है अपने वो कंधे को ओपन कर दी और उस पर उसका सर रख दी. एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, ब्लॉन्ड थी, उसके खूबसूरत सुनहरे बाल थे,
पूरा उसने बिखरा दिया, ये एक रोमांटिक सीन को क्रिएट करता है। एंड स्टूपिंग मेड माई चिक लाई देयर, और उसने उसके खुले हुए जो कांधे थे उस पर उसने उसके गाल को रख दिए। वो खुद बता रहा है कि ये सारी प्रेमिका कर रही है, एक्टिव ये बोलने में है लेकिन वो एक्टिव है, अभी ये पैसिव है, बोल ये रहा है कि उसने ऐसा किया। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड एंड स्टूपिंग मेड माई चिक लाई देयर एंड स्प्रेड ओवर ऑल हर येलो हेयर, पूरे बाल बिखरा दिए। मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, शी टू वीक फॉर हर हार्ट एंडेवर, ठीक है, वो बोलती रही, फुसफुसाती रही कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है, इतनी कमज़ोर, टू सेट इट स्ट्रगलिंग पैशन फ्री, फिर भी वो सारे बंधनों को तोड़कर आई। फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसेवर, उन सब प्राइड को टाइज को छोड़कर, टाइज का मतलब जो मंगनी हुई थी उन सबको तोड़ के आ गई मेरे पास, तो शादी ही क्यों कर रही थी। एंड गिव हरसेल्फ टू मी फॉर एवर, ताकि वो मेरी हमेशा के लिए हो जाए, ये प्राप्त करना। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल, लेकिन पैशनेट लव जो होता है, जुनूनी प्रेम होता है, उसकी कई बार जीत होती है। कैसे? अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, यानी इसका मतलब है कि मुझे बहुत प्यार करती है तभी सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गई है। अचानक उसके दिमाग में ख्याल है, सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन, और यही वजह है कि इस तूफान में, रात में, बारिश में वो मेरे पास आई। बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आईज, अब तक वो पैसिव था, तब उसने पहली बार अपनी आँख को उठा के उस पर देखा, उसकी तरफ देखा। हैप्पी एंड प्राउड एट लास्ट आई न्यू, वो खुशी से और गर्व से भर गया, बोला पोर्फीरियाज वर्शिप्ड मी सरप्राइज, ये सोच कर कि पोर्फीरिया उसकी उसको पूजती थी, उसको उसकी प्रेम ही नहीं करती बल्कि उसके प्रेम में वो एकदम सब कुछ डिवोटेड थी, तो एकदम वंडर्ड हो गया, सरप्राइज हो गया। मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू, उसका हृदय जो है बहुत बड़ा हो गया, फूल गया। वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, अब ये सोचकर कि अब मेरी है सिर्फ हमेशा के लिए, तो अब मैं क्या करूँ, इसको हमेशा कैसे अपने के लिए अपने लिए बना लूँ। दैट मोमेंट शी वॉज माइंड माइंड फेयर, उस क्षण जब सब कुछ छोड़ के आई थी वो सिर्फ मेरी थी, मेरी खूबसूरत, ये परफेक्टली प्योर एंड गुड आई फाउंड, कहता है कि मैंने पाया कि बिल्कुल प्योर थी, पवित्र थी, फिट थी, ठीक है। अ थिंग टू डू एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वुंट, तो अचानक मैंने क्या किया, वो बता रहा है कि पूरे उसके बाल के जूड़े को तीन बार लपेटा और उसके गर्दन के चारों तरफ कर दिया। थ्री टाइम्स हर लिटिल थ्रोट अराउंड, उसके गर्दन के चारों ओर तीन बार लपेटा, ठीक है। एंड स्ट्रैंगल्ड हर, और उसका दम घोट दिया, गला घोट दिया, ये पैशनेट लव है, ठीक है, जुनूनी प्रेम। नो पेन फेल्ट शी, अब देखिए, अब कह रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा है कि उसको कोई दर्द नहीं हुआ, यानी वो उतने प्रेम में थी मुझे मेरे। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, मुझे पूरा विश्वास है, एपिथेट है, ठीक है, कि मुझे पूरा विश्वास है कि उसे कोई दर्द नहीं हुआ। एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी, यहाँ पर सिमिली एज अ शट, ठीक है, एज और लाइक जो है वो क्या है, सिमिली यूज किया जाता है। एज अ शट बर्ड, जिस तरह से फूल बर्ड की कल अवस्था में रहता है, उसमें जो है वो बी रहती है, मधुमक्खी रहती है, वो उसको ये करती है, खिलने में मदद करती है, उसी तरह से आई वेरीली ओपड हर लिट्स अगेन, अब कोई अपनी आँखें खुद खोले और उसको कोई आँखों को अपने हाथ से खोलवाए, उसमें अंतर होता है। तो ये कह रहा है यानी कि वो मर चुकी थी, मार दिया था, उसने मर्डर कर दिया, और बता रहा है कि मैंने उसकी आँखों को खोला, जिस तरह से फूल खिलते हैं उस तरह से खोला, ये सिमिली का इस्तेमाल करता है, ठीक है। लाफ्ट द ब्लू आइज विदाउट अ स्ट्रेन, उसकी आँखें नीली थी और उससे खुशी झलक रही थी। एंड आई अनटाइटन नेक्स्ट द ट्रेस, तब मैंने जो टाइट किया हुआ था मारने के लिए उसको ढीला छोड़ा। अबाउट हर नेक हर चिक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माय बर्निंग किस, और उसको मारने के बाद वो किस कर रहा था, प्रेम कर रहा था, और वो कह रहा है कि वो ब्लश कर रही थी, वो शर्मा रही थी, ये पागलपन।
आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, तो मैंने उसके हेड को ऊंचा किया हाथ के सहारे, यानी वो बेजान थी। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर, तब तक वो कांधे से उसको लगाए हुए थी, अब ये कांधे से उसको लगा लिया क्योंकि वो बेजान हो चुकी थी। हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इज स्टिल, क्योंकि वो बेजान होकर वो गिर जा रहा था। द स्माइलिंग रोज ए लिटिल हेड, मरने के बाद भी तो कहता कि उसकी लिटिल हेड जो थी स्माइलिंग रोजी लिप्स थी। सो ग्लैड इट हैज इट्स अटमोस्ट विल, शायद यही उसकी इच्छा थी। दैट ऑल इट्स स्कॉर्न एट वंस इज फ्लेड एंड आई इट्स लव। अब देखिए, पहले शी कह रहा था, यानी कि व्हेन शी वाज अलाइव, अब उसका एड्रेसिंग जो है वो इट कर रहा है। इट जो है वो निर्जीव के लिए यूज किया जाता है, जो यहाँ प्रोनाउन यूज कर रहा था शी, तो वो जीवित के लिए होता है व्यक्ति, इट जो है वो डेड बॉडी के लिए किया जाता है। अब क्या कह रहा है, वो जानता था कि अब ये मर चुकी है। सो दैट ऑल इट्स गॉन एट वंस इज फ्लेड एंड आई, कह रहा कि मैं इट्स लव, मैं इसका प्रेमी हूँ, इस बॉडी का बता रहा है। एम गेन्ड इन स्टेट, अब प्रेम में जीतने की बात कर रहा कि मैं जीत गया, इसको प्राप्त कर लिया हमेशा के लिए। पोरफीरियाज लव शी गेस्ट नॉट हाउ, उसको पता भी नहीं था, इसने सोचा भी नहीं होगा कि कैसे वो मेरी हो जाएगी। हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड, कि उसकी डार्लिंग की एक विश इतनी इस तरह से पूरी हो जाएगी, ये पागलपन। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, अब दोनों हम एक साथ एक दूसरे के बाहों में बैठे हुए हैं रात भर। तो वो जस्टिफाई भी करने की कोशिश करता है कि मैंने तो सही ही किया है ना, तो क्या कहता है, एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टर्ड, पूरी रात हम लोग ऐसे ही शांत रहे, हिले तक नहीं। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, जस्टिफाई कर रहा है कि तभी ईश्वर ने एक शब्द नहीं बोला कोई, यानी यहाँ पर है कि डिवाइन इंटरवेंशन होती है ना, थंडर बोल्ट होती है, घटा गरजता है, बादल कड़कते हैं, बिजली कड़कती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उसने जो किया वो सही किया, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस पोएम है जिसने लवर खुद अपनी प्रेमिका को मारता है और इसको जीत अपनी बताता है, प्रिजर्व करने की बात करता है कि वो सारी शानो शौकत अपने जो मंगेतर को छोड़कर हमसे मिलने आई, इसका मतलब कि वो हमेशा के लिए मेरी है। तो ये है इस पोएम का समरी एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन व्यूइंग, वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।